हेलो एवरीवन, हम प्रीवियस लेक्चर में सेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा था जो सेल है उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जिसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो डिपेंड करता है जो सेल है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा और यदि इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो जो ड्रॉप है वो कम होगा। तो सेल के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। सपोज ये वो सिचुएशन है जब हम सेल से करंट ले रहे हैं, जब हम सेल को यूज कर रहे हैं और जो सेल है वो डिस्चार्ज हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। जो सेल है उससे करंट हम ले रहे हैं तो जो करंट है वो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में जाएगा। ये वो सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन जब हम सेल को चार्ज कर रहे हैं, जब हम सेल को चार्ज कर रहे हैं तो उस केस में हम सेल को करंट दे रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सेल को जब हम चार्ज कर रहे हैं तो जो बैटरी हमने लगाई है उस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल के ईएमएफ से ज़्यादा है, तभी जो करंट है वो सेल के अंदर जाएगा और जो सेल है वो चार्ज होगी। तो ये वो सिचुएशन है जब सेल चार्ज हो रही है और ये वो सिचुएशन जब सेल डिस्चार्ज हो रही है। या यू समझ लीजिए आपके घर में जो इन्वर्टर होता है उसमें जो बैटरी होती है जब लाइट चली जाती है, तो ये वो सिचुएशन है जब लाइट चली जाती है तो हम इन्वर्टर की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होती है, हम उससे उसको यूज़ करते हैं, हम उससे करंट लेते हैं। और ये वो सिचुएशन है जब लाइट आई हुई है तब जो आपके घर पे जो इन्वर्टर की बैटरी है तब वो चार्ज हो रही है। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो सेल हमने दिखाई है, मान लिया ये इंटरनल रेजिस्टेंस है इस सेल की स्मॉल आर, तो जब डिस्चार्ज होगी सेल तो इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए और ये पॉइंट है बी, तो यहाँ पर ऐसे मान लिया वी और यहाँ पर ऐसे मान लिया वी बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस बी बी। तो आप किस सप्लाई यूज करके ए से बी पॉइंट तक चलते हुए आप ये पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच लिख सकते हैं। तो मान लिया ए पे पोटेंशियल है वी ए, ए अब आपके यहाँ से यहाँ तक तो सिंपल वायर है तो इक्विपोटेंशियल है, ये कंडक्टिंग वायर है। इसके बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा ई, क्योंकि आप देखिए यहाँ से जाने पे पोटेंशियल घट रहा है तो वी ए माइनस ई, और यहाँ देखिए करंट इस डायरेक्शन में आ रहा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो ड्रॉप होगा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जब आप जाते हैं तो जो पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ रहा है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे प्लस, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई आर, और उसके बाद आप यहाँ पहुँच जाएंगे और यहाँ कितना हो गया वी डी, तो आप वी ए माइनस वी बी यहाँ पे लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, ये किसके इक्वल आएगा ई माइनस आई, या आप यूँ भी कह सकते हैं बी ए माइनस वी बी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच, यदि आप इसको बी मान लें तो बी किसके इक्वल हो गया ई माइनस आई आर। तो हमने देखा जब सेल डिस्चार्ज हो रही है उस केस में सेल के टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ई एम एफ से कम होता है, और कितना कम होता है आई आर फैक्टर से। ड्यूरिंग चार्जिंग जब सेल चार्ज होती है तो उस केस में क्या होगा, अगेन ए से बी तक आप किरचॉफ लॉ यूज करें, ए पे पोटेंशियल मान लें वी ए, और आप देखिए यहाँ से यहाँ वायर है तो ये तो इक्विपोटेंशियल है यहाँ से यहाँ तक वी ए, अब यहाँ से यहाँ जाने पे पोटेंशियल घट रहा है, कितना घट गया माइनस ई, और आप यहाँ से यहाँ देखिए करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, तो आप लिख देंगे माइनस आई आर, और आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो ये और ये यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल सेम है इज इक्वल टू वी डी, तो वी ए माइनस वी डी यहाँ इस केस में किसके इक्वल आया वी ए माइनस वी डी आया ई प्लस आई आर, या आप ये भी कह सकते हैं वी इज इक्वल टू ई प्लस आई। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सेल के ग्रोथ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से कम होगा, केवल तभी कम होगा जब सेल
डिस्चार्ज हो रही हो। यदि सेल चार्ज हो रही हो तो उस पर्टिकुलर केस में सेल के टर्मिनल के अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस है वो ईएमएफ से ज़्यादा होगा। तो हम ये जो इक्वेशन है बेसिकली हम ज़्यादातर बात करेंगे सेल के डिस्चार्जिंग की, जब हम सेल को यूज़ करेंगे तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पहले डिस्कस करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सपोज ये है दो सेल, पहली का ईएमएफ E1 और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसके साथ ये दूसरी सेल जोड़ देते हैं, ये सेल है A और B के बीच में और ये दूसरी सेल ऐसे जोड़ती, इसका ईएमएफ है E2, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 और ये दोनों सेल हमने जोड़ दी A और C पॉइंटों के बीच में। सीरीज में कब कही जाएंगी, जब A से C तक जाने का केवल एक पाथ हो और सीरीज में जो करंट है वो सेम होगा। तो मान लिया करंट कितना फ्लो कर रहा है I, तो इधर भी करंट होगा I और इधर भी करंट कितना होगा I। मान लिया A और C के बीच में ये जो दोनों सेल है इनके इक्विवेलेंट एक सेल मान लेते हैं हम जिसका ईएमएफ मान लेते हैं ई इक्विवेलेंट और जिसकी रेजिस्टेंस मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। तो ये हमने इमेजिन कर लिया ए और सी के बीच में इन दोनों के इक्विवेलेंट एक सेल है, इन दोनों के ई1 और ई2 के इक्विवेलेंट एक ये सेल मान ली ई इक्विवेलेंट और उसकी रेजिस्टेंस कितनी आर इक्विवेलेंट। तो क्योंकि ये दोनों सेल ए और सी के बीच में थी तो ये सेल भी किसके बीच में जुड़ेगी ए और सी के बीच, प्लस माइनस क्योंकि सीरीज में है इन सेल इस ए से सी तक करंट फ्लो कर रहा है आई, तो ये जो इक्विवेलेंट सेल है ये भी कितना करंट लेगी आई, क्योंकि तभी इक्विवेलेंट होगी जितना करंट इन दोनों सेल ने लिया उतना करंट इक्विवेलेंट भी लेगी। ये दोनों ए और सी के बीच में है तो जो इक्विवेलेंट मानी वो भी ए और सी के बीच में है। तो पहले सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ये R इक्विवेलेंट इनकी कम्बिनेशन की इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको हम कह देते हैं फिगर 1 और इसको हम कह देते हैं फिगर 2। तो फिगर 1 से देखिए हम क्या ले सकते हैं, ए और सी के बीच प्रेशर डिफरेंस कैसे लेंगे। हमने देखा था जब जो सेल है ये हमने यूज कर ली चार्जिंग, बेसिकली जो सेल है वो डिस्चार्ज हो रही है तो हम इसको हम इनसे करंट ले। तो हमने सेल से कितना करंट लिया है, इस पाथ में कितना करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इधर भी कितना करंट फ्लो करेगा आई, तो हमने इन दोनों से करंट लिया आई, तो जो इक्विवेलेंट है इससे भी कितना करंट लेंगे आई क्योंकि ये इक्विवेलेंट है। तो अब आप देखिए जो फिगर 1 है इससे हम क्या ले सकते हैं, वैसे तो देखा था ए और बी के बीच जो पैसे डिफरेंस है वो है E1 माइनस आई R1 और बी और सी के बीच है E2 माइनस आई R2। या आप सिंपल A से C तक के बाद में किसो प्ला यूज करके भी ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं VA इसका पोटेंशियल। अब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से जाते हैं पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ जाने पर पोटेंशियल घट रहा है तो VA माइनस E1 और आप देखिए करंट इस तरफ आ रहा है और आप इस A से C तक जा रहे हैं तो मैन गोइंग अलोंग ए टू सी, आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा आई आर वन
यानी कि करंट इस तरफ है तो ये प्लस और ये माइनस, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या सिंपल करंट से भी आप देख सकते हैं, करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है और आप जा रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस आई आर वन, करंट आई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन है, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप आ जाएगा आई आर, यहाँ से यहाँ तक इक्विपोटेंशियल है, ये वायर है सिंपल। इसके बाद यहाँ से यहाँ जाने पे आप देखिए फिर जो पोटेंशियल वो घट रहा है, तो कितना लिखेंगे, माइनस ए टू, और अगेन यहाँ से यहाँ जाने पे बढ़ रहा है तो आप लिख देंगे प्लस आई आर टू, और आप पहुँच गए सी पॉइंट पे, तो ये पोटेंशियल हो गया सी पॉइंट पे बी सी, तो बी ए माइनस बी सी आप क्या ले सकते हैं, बी ए माइनस बी सी ये किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ई वन प्लस ई टू, और ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस आई आर वन प्लस आर, ये हमारी हो गई इक्वेशन। तो ये हमने यूज किया है फ्रॉम फिगर वन, और जो इक्विवेलेंट सर्किट है उससे आप देखिए फ्रॉम फिगर टू, वी ए माइनस वी सी हमने देखा था, वी ए माइनस वी सी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है, ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर, तो ये होगी इक्वेशन। आप कंपैरिजन करें इक्वेशन वन और टू का, तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, और ये जो ई एम एफ वाली क्रम है आप देखिए ये ई इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया, ई वन प्लस ई, और इनका कंपैरिजन करेंगे तो आई कैंसिल माइनस माइनस कैंसिल, आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गई, आर वन प्लस आर। आप इस रिजल्ट को जनरलाइज भी कर सकते हैं, ये तो दो सेल के लिए था, मान लिया एन सेल होती, फोर एन सेल्स इन सीरीज, तो उस केस में आप क्या ले सकते थे, ई इक्विवेलेंट ई वन प्लस ई टू, सिमिलरली ई थ्री अप टू सो ऑन ई, तो सब का जो ई एम एफ है वो जुड़ जाता, और इसी तरह से आर इक्विवेलेंट भी आप निकाल सकते थे, वो जाती आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड आर। ये हमने रिजल्ट को जनरलाइज कर दिया, मान लिया जो सेल है उनका ई एम एफ इक्वल है ई ई ई, तो एन टाइम्स हो जाएगा एन इंटू ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल है तो उस केस में आप लिख सकते थे आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर एन टाइम्स आर। ये तो सिचुएशन जब है जब आपने बैटरी को सिंपली इस तरह से जोड़ा है, मान लो आप बैटरी सॉरी जो सेल है उसको आपने सिंपल इस तरह से जोड़ा है कि पहले वाले का माइनस दूसरे वाले के प्लस से जुड़ रहा है, यदि मान लो हम इसको उल्टी जोड़ देते हैं तो उस केस में क्या होता, If cells are connected like this, ये ई एम एफ ई वन, ये आर वन, ये आर टू, ये यदि हम सेल को इस तरह से जोड़ देते हैं ए और बी के बीच में, तो आप देखिए यहाँ पे आ जाता, यहाँ से ए से सी तक जब हम जाते तो इस चीज़ में देखिए यहाँ से यहाँ तक, और सपोज करंट हम ले रहे हैं इस तरह से, तो जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो जो E2 है यहाँ पे उसके साथ कौन सा निशान आ जाता है, माइनस का, यानी कि इक्विवेलेंट ईएम यदि ये सिचुएशन है, यदि हमने जो सेल है वो उल्टी जोड़ दी, ये तो पहले नॉर्मल जो कॉम्बिनेशन है
पहले वाले का माइनस दूसरे वाले के प्लस से, दूसरे वाले का माइनस तीसरे वाले के प्लस से। मान लिया हमने सेल ऐसे तोड़ दी उल्टी, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो आ जाएगा E1 माइनस E2, लेकिन R इक्विवेलेंट जो है वो तो सेम ही रहेगी, R1 प्लस R। तो आप नोट कर लीजिए इसको भी, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। कई बार जो एग्जामिनर है वो सेल को उल्टी तोड़ देता है क्वेश्चन में, और फिर आपसे इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछता है या किसी और टाइप का क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। तुमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन में जो ईएमएफ है सेल का, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए जो सेल है उनको जनरली हम सीरीज में जोड़ते हैं। तो आपके घर पर जो इन्वर्टर लगा उसमें जो बैटरी है, दो बैटरी है, तीन बैटरी है, तो आप देखेंगे वो किस में जुड़ी हुई होती है, सीरीज में। क्योंकि सीरीज में जब हम सेल को जोड़ते हैं तो जो ईएमएफ है, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ वो इंक्रीज हो जाता है। हाँ, इक्विवेलेंट ईएमएफ के साथ साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट, वो भी सेल की इंक्रीज हो जाती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सपोज ये सेल है E1, E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये A पॉइंट से जुड़ी है, B पॉइंट से जुड़ी है, ऐसे ही ये दूसरी सेल है EMF E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। यदि सेल इस तरह से जोड़ दें, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे, जो नेगेटिव टर्मिनल दूसरे पॉइंट पे, देन सेल्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, प्लस माइनस प्लस माइनस। और उसको जो करंट है वो हम ले रहे हैं सेल से इधर थ्री पॉइंट पे, तो उसको इधर करंट मान लेते हैं I1, इस सेल से करंट मान लेते हैं I2। सेल जब पैरेलल में होंगे तो दोनों सेल से अलग अलग करंट होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, यानी दोनों जो है, दोनों के जो एंड है वो सेम पॉइंट पे, जैसे इसका पॉजिटिव एंड और इसका पॉजिटिव एंड सेम पॉइंट पे, इसका नेगेटिव सेम पॉइंट पे, यानी दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा, ये भी कह सकते हैं। यदि दोनों सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, करंट डिफरेंट हो, दे आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ए और बी के बीच में यदि दो सेल हमने इस तरह से जोड़ रखी हैं कि ए से बी तक जाने के दो पाथ हैं, पहले पाथ में आगे सेल E1, दूसरे पाथ में आगे सेल E2, तो ये भी कह सकते हैं देन सेल्स आर सेट टू बी इन पैरेलल। मान लेते हैं इन दोनों करंट को मिला के I1 प्लस I2, तो वो टोटल करंट यहाँ से आया I, ऐसे यहाँ से गया I। इन दोनों का इक्विवेलेंट मान लेते हैं E इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट EMF हो गया, और इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, तो ये भी हम किसके बीच में जोड़ेंगे, A और B के बीच में। तो दोनों सेल ने मिलकर कितना करंट लिया है I, जो इक्विवेलेंट सेल है दोनों सेल ने टोटल मिला के कितना करंट दिया है I, तो ये इक्विवेलेंट सेल भी कितना करंट देगी I। तो आप देखिए फिगर वन से आप क्या ले सकते हैं, फ्रॉम फिगर वन यूजिंग किरचॉफ लॉ, तो आप A से B तक जाइए, पोटेंशियल डिफरेंस आप ले सकते हैं। बेसिकली आप देखिए जो करंट I है वो किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I, I=I1+I2 फ्रॉम किरचॉफ करंट लॉ। अब हमें I1 की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखिए A से B तक जाते हुए आप I1 के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, I1 के लिए ये मान लेते हैं इक्वेशन 1, तो आप क्या लिखेंगे, VA-VB = E1 - I1 R1। आप देखिए मैंने ये डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी है, VA
माइनस वी बी इक्वल टू ई वन माइनस आई आर वन, क्योंकि जो सेल है उससे हम करंट ले रहे हैं। तो आप यहाँ से देखिए आई वन की वैल्यू निकाल सकते हैं और वी ए माइनस वी बी इसको आप कह सकते हैं लेट वी ए माइनस वी बी, ए और बी के बीच जो फाइनेंशियल डिफरेंस है वो हमने कितना मान लिया वी, तो देयरफॉर वी कैन राइट V इज इक्वल टू ई वन माइनस आई वन टू आर। तो यहां से देखिए आई वन की वैल्यू आप निकाल लें, इसके इक्वल आएगी आई वन ई वन माइनस वी, ई वन माइनस वी डिवाइडेड बाई आर। देखिए I1 R1 को मैं लेफ्ट साइड में ले आया, V को उधर ले आया, तो ये हो गया E1 माइनस V और R1 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली आप इसी तरह से इस बात के अलॉन्ग जा गए आप I2 भी निकाल सकते हैं, तो I2 भी आ जाएगा E2 माइनस V डिवाइडेड बाई R। तो ये होगी इक्वेशन 2। I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में रखते हैं तो क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ दें E1 by R1 plus E2 by R2 minus V, दोनों में कॉमन है क्या बचा 1 by R1 प्लस वन बाई आर। आप देखिए ये जो चीजें किसके इक्वल आ गई आई, और आई जो है वो आप यहां से निकाल सकते हैं फिगर टू से, ये कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम फिगर टू। फिगर टू से आप निकाल सकते हैं आई की वैल्यू वी ए माइनस वी बी, यानी वी किसके इक्वल है ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। तो आप क्या ले सकते हैं आई किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से आई आ जाएगा ई इक्विवेलेंट आई की वैल्यू है वो मैंने फिगर टू से निकाल ली, इसको कह लें आप फिगर वन, ये हो गया फिगर टू। और ये इक्वेशन 3 है। तो आप देखिए जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने पे देखिए आई जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों तरफ इक्वल है, राइट साइड भी इक्वल होगी। तब देखिए ई वाली ट्रम ई बाई आर रिप्रेजेंट और ई बाई ए ट्रम हम एक साइड कर सकते हैं ये वाली ट्रम, तो क्या आ जाएगा ई इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट इसके बाद आप लिख सकते हैं ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल आया E1 by R1 plus E2 by R, और V से V cancel, minus minus V cancel, तो 1 by R equivalent इसके इक्वल आया 1 by R1 plus 1 by R2। तो हमने देखा जो सेल सीरीज में थी तो जो इनकी रेजिस्टेंस है वो तो सिंपली वैसे ही जुड़ती है जैसे नॉर्मल रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में जुड़ती है। हाँ, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ था वो सीरीज में तो सबका सम हो गया था, और यदि सेल उल्टी जुड़ी थी तो माइनस हो गया था, लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है
वो भी इन्वॉल्व हो रही है. सो E1 बाई आर वन प्लस सी टू बाई आर टू प्लस सी थ्री बाई आर थ्री, इस तरह से आप इस रिजल्ट को जनरलाइज भी कर सकते हैं. तो ये तो था दो सेल के लिए. मान लिया एन सेल होती तो उस केस में हम क्या ले सकते थे, फॉर एन सेल्स, एन सेल के केस में जनरली फॉर एन सेल ईएमएफ E1, E2, E3 अप टू सो ऑन एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 सो ऑन, तो उस केस में ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं. सिमिलरली E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3, इस तरह से EN बाई R. और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन 1/RN. तो आप देखिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो तो बिल्कुल पैरेलल फार्मूले से निकलेगी, जो EMF है वो आप इस तरीके से निकालेंगे. तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देख लिया EMF किसके इक्वल आता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख लिया. तो यदि हमें सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस घटानी हो तो हम उसको जोड़ेंगे पैरेलल में, और यदि सेल का EMF बढ़ाना है इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का तो हम उस सेल को किस में जोड़ेंगे, सीरीज में. अब हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों देख लिए, फार्मूले भी हमने देख लिए, EMF कैसे कैलकुलेट करते हैं. अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं EMF और सेल से रिलेटेड. INCRT एक्सरसाइज से आज जो हमने पढ़ा है उससे तीन क्वेश्चन लेते हैं. INCRT एक्सरसाइज में गिवन है, पहला क्वेश्चन है 3.1 प्रॉब्लम. स्टोरेज बैटरी दे रखी है कार की जिसका EMF 12 वोल्ट और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम. इसमें आपको बताना है कि मैक्सिमम करंट हम उससे कितना ड्रा कर सकते हैं. मैक्सिमम करंट ड्रा करने के लिए जो बैटरी है आप उसको शॉर्ट कर दें. हालांकि ये काफ़ी खतरनाक है, यदि बैटरी ज़्यादा वोल्ट की है और वायर कमज़ोर है तो जो तार है वो जल सकती है. बैटरी इस चीज़ को पसंद नहीं करेगी, जो बैटरी है वो ख़राब हो जाती है. तो मैक्सिमम करंट हमें ड्रा करना है तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ये 0.4 और ये बैटरी है 12 वोल्ट की, तो ये दो टर्मिनल्स हैं इनको सिंपल ऐसे जोड़ दें बिना किसी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस के, तो ये प्लस माइनस. तो ओम ला से आप देखिए मैक्सिमम करंट आई इज इक्वल टू वी बाई आर, वी बाई आर, तो आर कितना है, बल्कि ई लिखना बेटर रहेगा क्योंकि ई एम दे रखा है 12 वोल्ट, तो ये हो गया 12 डिवाइडेड बाई 0.4 और आप इसको सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है बैटरी गिवन है, बैटरी का EMF है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम. इस बैटरी को कनेक्ट किया जाता है एक रेजिस्टर आर के साथ, और यदि सीरीज में करंट हो 0.5 एम्पियर तो आपको फाइंड आउट करना है सीरीज रेजिस्टर जो हमने लिया है आर और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो इस बैटरी के अक्रॉस है वो. तो इसके लिए आपको क्या करें, आप देखिए गिवन है ये बैटरी है, EMF है 10 वोल्ट और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखी है जो है 3 ओम, और आप देखिए इसको जोड़ दिया जाता है, ये रेजिस्टर है और इन्होंने कहा है जो करंट जो सर्किट में फ्लो हुआ प्लस या माइनस, तो करंट फ्लो हुआ 0.5 एम्पीयर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है आर, आर निकालना है. तो इसके लिए आप देखिए ये
ये पॉइंट मान लो ए और ये मान लो बी, तो ए और बी के बीच में एक तो ये सर्किट है और एक ये रेजिस्टेंस है, तो जितना प्रेस डिफरेंस के क्रॉस होगा उतना ही यहाँ आ जाएगा। तो आप या तो इससे निकाल लें या इससे निकाल लें, और वैसे आप टर्मिनल प्रेस डिफरेंस निकालने के लिए क्योंकि बैटरी से करंट लिया जा रहा है तो ए और बी के बीच जो प्रेस डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, या आप कह लें ये वी क्योंकि बैटरी से करंट लिया जा रहा है तो ये होगा ई माइनस आई इंटू आर। तो आप देखिए यहाँ से आ जाएगा वी, तो वी आ जाएगा ई कितना है 10 माइनस आई कितना है, व्हाट इज आई 0.5 इंटू रेजिस्टेंस कितनी है इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 8.5 वोल्ट। तो टर्मिनल प्रेस डिफरेंस आ गया 8.5 वोल्ट, तो ए और बी के बीच प्रेस डिफरेंस है 8.5, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस प्रेस डिफरेंस कितना है 8.5 वोल्ट, और करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें 0.5 एम्पियर। तो यहाँ से आप आर निकाल सकते हैं, ओम का से आर इज इक्वल टू बी प्रेस डिफरेंस कितना 8.5 और आई कितना है 0.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17 ओम। अभी आप देखिए जो 11th प्रॉब्लम है इसमें ईएमएफ दिया है, स्टोरेज बैटरी है उसका ईएमएफ 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखी है 0.5 ओम, इसको चार्ज किया जा रहा है। ध्यान दें पहले हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें सेल डिस्चार्ज हो रही थी, सेल से करंट लिया जा रहा था, अब सेल को चार्ज कर रहे हैं 120 वोल्ट डीसी सप्लाई से, और हम यूज कर रहे हैं सीरीज रजिस्टर आर जिसकी वैल्यू 15.5 ओम, और आपको फाइंड करना है टर्मिनल प्रेस डिफरेंस और आपको बताना है आर का परपज क्या है। तो टर्मिनल प्रेस डिफरेंस के लिए आपको निकालना पड़ेगा करंट आई। एक बार इस सर्किट को बना के देखते हैं क्या सिचुएशन है, ये बैटरी है, ईएमएफ है 8.0 वोल्ट और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखी है 0.5 ओम, इसको चार्ज किया जा रहा है 120 वोल्ट, ये 120 वोल्ट सप्लाई से, ये प्लस ये माइनस, तो ये करंट ऐसे जाएगा इसमें, और साथ में एक सीरीज रजिस्टर भी है, ये सीरीज रजिस्टर मान लेते हैं 15.5 प्लस माइनस। तो आप देखिए करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये करंट है आई। तो सबसे पहला पर्पज होगा करंट, यदि हमें करंट का पता चल जाए तो हम वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो करंट निकालने के लिए आप किरचॉफ लॉ यूज कर सकते हैं, यूजिंग किरचॉफ लूप लॉ, यूजिंग किरचॉफ लूप लॉ, और हम चलेंगे अराउंड द लूप ए बी सी डी ए, तो इस लूप के अराउंड चलेंगे। आप देखिए ए से शुरू करते हैं, ए पे प्रेस मान लेते हैं बी ए, आप देखें यहाँ से यहाँ जाने पे आई से लो पारे घट रहा है -8, और आप देखें यहाँ से यहाँ जाने पे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं ए बी सी डी ए, इस पाथ के अराउंड चल रहे हैं ए बी सी डी ए, इस बात के अलाउ जा रहे हैं, तो इसके अलाउ चलेंगे ए से बी की तरफ जाएंगे, तो आप देखिए यहाँ से करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट डायरेक्शन में प्रेशर घटता है, तो आप देखिए 0.5 इंटू करंट कितना है आई -0.5 आई, अगेन इसमें देखिए फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगेन -15.5 इंटू आई, और आप देखिए इधर से इधर जाने पर लो से हाई पर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है पोटेंशियल, तो प्लस 120, और आप यहाँ पहुँच गए तो डी और ए का पोटेंशियल सेम है, दिस इज इक्वल टू वी ए।
तो आप दोबारा ए पे पहुंच गए, ए से शुरू किया दोबारा ए पे पहुंच गए, तो इसलिए इसको वी ए इक्वल कर दिया, तो वी ए से वी ए कैंसल। आप इसको सॉल्व करें 120 में से आठ गए 112, और इसको उधर ले जाएं प्लस का हो जाएगा 112, या इधर कहने थे 120 प्लस का है 8 माइनस का है, तो 112 प्लस का हो गया 15.5 0.5, ये हो गया 16 आई। सोल्व करेंगे इसको तो आई आ जाएगा 7 एम्पियर। तो हमने करंट निकाल लिया है 7 एम्पियर, बट हमें निकालना क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके बीच में। तो इसके और इसके बीच में तो हम इसके लिए फार्मूला यूज कर सकते हैं V = व्हाट इज V, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, बी ए माइनस वी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। तो सेल के अक्रॉस कितना टर्मिनल, क्योंकि ए और डी के बीच, क्योंकि इसने सेल यानी कि जो स्टोरेज बैटरी है सॉरी उसके अक्रॉस पूछा है जिसका EMF 8 वोल्ट, इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जब हम इसको चार्ज कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब चार्ज होती है बैटरी तो उस पर्टिकुलर केस में फार्मूला क्या है, याद कीजिए EV = टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू E + IR। तो यहाँ पर आप देखिए V आ जाएगा, E कितना है, E है 8 प्लस I कितना है 7 और ये कितना है 0.7 × 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे 3.5, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 11.5 वोल्ट। और पर्पज क्या है आर का, देखिए यदि हम इस सीरीज रजिस्टर को हटा दें यहाँ से तो ये फैक्टर चला जाएगा और 112/0.5, तो आप देखिए जो करंट है वो 224 एम्पीयर आएगा अप्रोक्सीमेटली, जो बहुत ही ज़्यादा करंट है जिसकी वजह से जो बैटरी है वो जल सकती है। तो जो डेंजरस इफेक्ट है ज़्यादा करंट के फ्लो होने से उससे बचाता है ये सीरीज रजिस्टर, ये इसका पर्पज है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल और मीटर ब्रिज जो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।